विवेकानंद का नाम सुना आपने? स्वामी विवेकानंद। बड़ी सुंदर बात बोली स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति के भीतर अध्यात्म पड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के भीतर अध्यात्म है जो किसी न किसी रूप से बाहर व्यक्त हो जाता है, मगर एक गड़बड़ होती है इस पूरे प्रोसेस में कि हम जो अंदर अध्यात्म पड़ा है, जो एक्सप्रेस होना चाहता है बाहर, हम उसमें इंटरफेरेंस बहुत करते हैं। इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, व्यवधान। और देसी भाषा में बोलें तो उंगली करना। इस प्रोसेस में हम बहुत उंगली करते हैं क्योंकि मन चंचल है और उसको पंगे लेने का मन होता है। मैं किंतु परंतु करके कुछ तोड़ मरोड़ करके, इंजीनियर है ना मन, तो कुछ तोड़ेगा, कुछ मरोड़ेगा, कुछ करना चाहेगा। तो जो चीज़ें सहज हैं और स्वाभाविक हैं वो उसमें हस्तक्षेप बहुत करता है, जिस वजह से जो एक फ्लो चल रहा है वो टूटने सा लगता है। जैसे नदियों पे बांध बनाते हैं ना अपन लोग, फिर हम उसका लॉजिकल रीज़न बड़ा अच्छा देते हैं, भाई बांध बना तो बाढ़ आनी कम हुई, लोगों को नहर मिली। बट एक्चुअली में बांध बनाने से समस्या सुलझी नहीं, समस्या बहुत बढ़ गई है बांध बनाने से। तुम अगर नदियों के विज्ञान को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, जब से बांध बने उससे पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें बदल गई बांध बनने की वजह से। तो बांध बनना था ये कि जो ऊर्जा चल रही है हम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस के लिए, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके। शीनल, ऐसा समझ लो कि ये कुछ चीज़ें स्वाभाविक हैं। आप जब भी बैठ जाओगे, अब जैसे अगर हम यहाँ बैठ ही जाएं थोड़ी देर, कुछ चीज़ें होने लगेंगी शरीर के अंदर। बहुत बेसिक लेवल पे बोलें, अगर बैठ ही गए तो एक टांग थोड़ा सा जमने सी लग जाएगी आपको, जैसे रीढ़ में कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। कुछ लोगों को टांग में एक्सपीरियंस होता है कि वो चींटी चल रही है, कुछ पैर दब गया, अगर उसकी नस दब गई तो कुछ कुछ अनुभव होते हैं। सो दीज आर ऑल एक्सपीरियंस, ये सब अनुभव हैं। इस अनुभव में हस्तक्षेप किया तो बांध बने नदी के ऊपर। तो कहने का भाव ये हुआ कि जो जैसा चल रहा है उसको एकदम वैसे चलने दो, उसको बढ़ाने की भी कोशिश मत करो, उसको घटाने की भी कोशिश मत करो। हाँ, बट जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी तुम्हें गुरु ने प्रैक्टिस दी, वो प्रैक्टिस से अगर आनंद मिल रहा है तुम्हें किसी भी फॉर्म में, तो वो चीज़ ठीक चल रही है तुम्हारे लिए, कंटिन्यू दैट। समस्या ज़्यादा ये होती है कि हम हर चीज़ को नाम देना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। हाँ, जैसे आपने कहीं शब्द पढ़ा समाधि, तब आपको जिज्ञासा उठ रही है कि क्या मैं इसको समाधि में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो शीनल, कई जगहों पर जिज्ञासा तंग करती है। बुद्ध ने हमेशा यही बोला है कि जो भी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में सेंसेशंस होती हैं ध्यान के पलों में, तुम सिर्फ उन सेंसेशन को विटनेस करना बस, और कुछ तुम्हारा कृत्य नहीं है उसमें करने के लिए। सो भी मत जाना एकदम, बस उन सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करते रहना। दिस इज़ व्हाट बुद्धा यूज्ड टू से। तो ना मैं उन सेंसेशंस को समाधि बनाना चाहता हूँ, ना मैं उन सेंसेशंस को कुछ और बनाना चाहता हूँ, वो एक अनुभव हो रहा है। इसीलिए हमने बोला सहज समाधि भली, सहजता में ही होगा जो भी काम होगा, मेरा अनुभव ऐसा बोलता है। किंतु परंतु में कुछ मिलता नहीं, हस्तक्षेप से कुछ मिलता नहीं। कल एक बच्चे से बात हो रही थी तो उसने बोला मुझे जिज्ञासा है जीवन के बारे में बड़ी सारी चीज़ों की। तो मैंने उसको इधर आया पास, मैंने कहा दोबारा बोल और दोबारा सोच, जिज्ञासा है? कह रहा हाँ। मैंने कहा देसी शब्द क्या होता है जिज्ञासा का? कह रहा खुजली। मैंने कहा अब सोच, जो तू पूछता है बार बार, या तेरा मन जो पूछता है बार बार, वो जिज्ञासा है या खुजली? फिर थोड़ी देर रुका हुआ, फिर उसने कहा इन दोनों का अंतर क्या होता है? फिर मैंने बोला जिज्ञासा जो तेरे को रात को सोने ना दे, जो तेरी नींदें उड़ा दे, जो तेरी भूख मिटा दे, जिज्ञासा। खुजली तो हम सब समझते हैं। तो ध्यान के पथ पे इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये मन खुजलियों को जिज्ञासा का रूप देगा। वो मन का काम है, उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं, उसका नेचर ही ऐसा। बट ये मंत्र याद रखना, सहजता में कहान, जो भी फूल खिलेगा वो हमेशा सहजता में खुलेगा। प्रयास आपको करना होगा, अडिग आपको रहना होगा, मगर सहजता बनाए रखनी होगी। सहजता छोड़ी किंतु परंतु में पड़े आप, तो वो विक्रम वेताल की कहानी हो जाती है। विक्रम वेताल की कहानी मालूम? तू बोला तो मैं उड़ा।
एकदम यही है मैम, मतलब ये इट इज़ नॉट अ जोक, ये एकदम साधना बिल्कुल ऐसे काम करती है, तू बोला तो मैं उड़ा, जैसे ही तुमने इन चीज़ों में हस्तक्षेप किया मैं उड़ा, ये एक्सपीरियंस बोलेगा, ये तुम्हारा ध्यान बोलेगा मैं उड़ा, तूने हस्तक्षेप किया मैं उड़ा। हाँ तो चुप रहा, अगर तूने इतनी कैपेसिटी अपने भीतर मेंटेन कर ली, इसको बोलते हैं वेदांत की भाषा में अंग्रेजी में कैपेसिटी टू होल्ड, हिंदी में क्या अनुवाद करेंगे इसको, पकड़ने की क्षमता, पकड़ना नहीं, होल्ड इज समथिंग एल्स, संभालना, समथिंग लाइक दैट। जैसे समझ लो पानी है तुम्हारे हाथ में, अभी आप मेरे हाथ में अगर पानी डालो तो क्योंकि ये उंगलियों के बीच में गैप है वो पानी निकल जाएगा, बट अगर मैं किसी एक बहुत ध्यान की अवस्था में इसको जोर से पकड़ूं तो मैं पानी को रोक पाऊंगा, कैपेसिटी टू होल्ड। तो ये डेवलप करना होता है हमें कि जो अनुभव हो रहा है मेरे भीतर कैपेसिटी है उस अनुभव को होल्ड कर लेने की, यानी मैं जिज्ञासा को नहीं जाने दूंगा उसके अंदर, होल्ड। तो ये साधक का साधना के पथ पे कि ये नियम जैसा है, होल्ड। नहीं तो बहुत बार तुम्हारे भीतर ही ऐसी चीज़ें घटने लगती हैं, मान सा जागने लगता है भीतर ही कि मुझे तो कुंडलिनी में कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, औरों को तो नहीं हो रहा, तो मैं औरों से बेहतर, ऐसा बड़ा सटल सा। तो जैसे ये हुआ तो फिर ये विक्रम बताल, मैं उड़ा, कैपेसिटी होल्ड, मतलब तुमने होल्ड कर लिया उस बात को, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये बात ऐसी है, ये कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है कि बस तुमने उसको छोटे से बच्चे की तरह संभाल सा लिया, बस इतना। क्यूरियोसिटी कहीं लेके नहीं जाती यार, जिज्ञासा तो ले जाती है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी खुजली जैसी होती है। जिज्ञासा मतलब जो मैंने बोला सोने ना दे आपको, हाँ, जैसी जिज्ञासा बुद्ध को थी कि मेरे को सत्य जानना है, सोने नहीं दिया उस जिज्ञासा ने उनको कि ये शरीर पैदा हुआ और मर जाएगा एक दिन, बस इतना, नहीं नहीं कुछ और भी होना चाहिए इसमें, सोने नहीं दिया इस जिज्ञासा ने उनको। या ओशो की जिज्ञासा, वो जिज्ञासा की कैटेगरी में आता है। तो खुजलियों से बचना साधना के पथ पे बहुत तंग करती हैं। सो एनी इंफॉर्मेशन, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, खाम खां का ज्ञान मत इकट्ठा करो, हम सब थक गए ज्ञान से। इसीलिए गांव का आदमी जब आप जाके देखते हो आपको बहुत सहज दिखता है, मुझे तो बहुत बार साधक दिखता है वो, हमसे बेहतर मेडिटेटर दिखता है वो, बैल जोत रहा है तो बस बैल ही जोत रहा है, मस्त आवाज़ें निकाल रहा है और बात करता है बैल से, अगर आपने देखा हो तो वो बैल उसकी आवाज़ समझता है और ये बैल का हर सिग्नल समझता है, तुम नहीं समझते, तो वो वन है बैल के साथ, हम तो स्वयं के साथ भी वन नहीं है। तो वो सहजता में जी रहा है, उसको लेना देना नहीं ज़्यादा जटाएं से कुछ होगा, कान छेदने से कुछ, उसको कोई लेना देना नहीं। तो मस्त राम मस्ती में, ऐसी वाली बात है। ट्राई अपनी ज़िंदगी के फोकस को थोड़ा वहाँ शिफ्ट करो कि मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। ध्यान का दूसरा नाम है ईजी, ईज़। अगर हज़ार प्रश्न आ रहे हैं दिमाग में तो ईज़ कहाँ से आएगी यार, फिर तो इसी उधेड़बुन में लगे रहोगे, जटा रखूँ कितनी लंबी, 2 फुट 1 फुट, यहाँ रखूँ छोटी कटा, मतलब अनंत है ना फिर तो चीज़ें, फंस जाओगे उसमें, मत जाओ उस तरफ, सहजता की तरफ थोड़ी रुख मोड़ो, आसान हो जाएगा सब। लाइफ इज़ अबाउट ईज़, एक बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं नानक साहब, आनंदी गाती हैं कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है बोलने, एक लाइन का वो टिप्स, ओके एक लाइन बस। उठत सुखिया बैठत सुखिया, उठत सुखिया बैठत सुखिया। वाह, लाइन तो आगे और भी है शब्द की, बट इस लाइन में नानक एक ही बात बोल रहे हैं, उठत सुखिया बैठत सुखिया, कि मैं उठते हुए भी सुख में हूँ, आनंद में हूँ, ईज में हूँ, मैं बैठे हुए भी आनंद में हूँ, सुख में हूँ, ईज में हूँ, हो गया ध्यान। तुम्हें पता योग की, आप सबसे बोल रहे हैं, योग का सारा मरम क्या है, बेसिक योग क्या है, जानते हो इस बात को, डेफिनेशन तो जानते हो गए, बट आपको मालूम योग एक्चुअली है क्या, बैठने की विधि, बस। तुम्हें सुख से बैठना आ गया, तुम्हें योग आ गया।
और तुम्हें सुख से खड़ा होना या चलना आ गया, तुम्हें योग आ गया। देखो आदमी को उसको चलना नहीं आता, उसको बैलेंस ही नहीं आता, उसकी उसकी ज़मीन पे पकड़ ही ठीक नहीं, उसकी ग्राउंडिंग ही ठीक नहीं है। अभी देखो हम सब बैठे हैं, हमें बैठना नहीं आता। अभी 10 मिनट में ऐसा हो जैसे मतलब अजीब अजीब सी हम बॉडी शेप्स लेने लगते हैं, बैठना ही नहीं आता। ये योग है बस, कौन कितना मुड़ सकता है वो योग नहीं है। उठत सुखिया बैठत सुखिया, ये नानक साहब बोल गए 500 साल पहले, दिस इज योगा। और यही संन्यास है और यही ध्यान है।